हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ सोयाबीन की सब्ज़ी। ये मैंने सोयाबीन गर्म पानी में भिगो लिया था और इसका पानी अच्छे से मैंने निचोड़ के रख लिया है। ये आपको जितना स्पाइसी चाहिए उस हिसाब से आप मिर्ची ले सकते हैं। बाकी ये सामान जो मैं उसमें यूज़ करने वाली हूँ, अब इसे हम ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लेंगे मिर्ची के साथ। अब इसमें ऐड करेंगे हम दही। थोड़ा धनिया पाउडर, थोड़ा मिर्ची पाउडर, और थोड़ा सा गरम मसाला। अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब हमने कढ़ाई पे तेल डाल दिया है, कढ़ाई में तेल डाल दिया है हमने। अब हम डालेंगे इसमें जीरा, हो जाए हमारा। तो हम इसमें डालेंगे कांदा जो हमने काट के रखे थे। ब्राउन होने तक हम इसे भूनेंगे। हमारी प्याज अब वो चली है जितना हम इसे पकाना चाहते हैं। अब इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। पेस्ट जब हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे टमाटर। ये हमारा हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे टमाटर। हमारा टमाटर हो गया है, इसमें हम डालेंगे मसाले। हमारा हल्दी पाउडर हो गया, हमारा धनिया पाउडर डाल दिया हमने, ये मिर्ची पाउडर, ये गरम मसाला। अब इसे अच्छे से हम मिलाएंगे। मसाले अच्छे से मिल गए हैं। अब इसमें हम डालेंगे मटर जो हमने लिया था इसमें डालने के लिए। मटर हमने डाल दिया है, अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको ढक देंगे ताकि हमारा मटर अच्छे से हो जाए। इसको हम 5 मिनट के लिए डाल देंगे। देखिए हमारा मटर बहुत अच्छे से पक गया है। अब इसमें हम सोयाबीन ऐड करेंगे।
जो हमने पहले ग्राइंड करके रखा था। हमने डाल दिया है सोयाबीन इसमें, अब इसे हम चलाएंगे। अब इसमें हम पानी डालेंगे। आपको जितना गीला सूखा रखना है इसको, जिस हिसाब से आपको खाना है, चावल के साथ, रोटी के साथ, रोटी के साथ, उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। इसमें मैंने पानी डाल दिया है, अब इसमें मैं डालूंगी नमक। इसको ढक के हम पका लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी सब्जी उबली है, तेल सारे ऊपर आ गए हैं, अब इसे हम सर्व करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी सब्जी बनके तैयार हो गई है। अब इसमें हम डालेंगे गार्निश के लिए धनिया। इसे आप रोटी के साथ चाहे खाओ, चाहे पराठा के साथ खाओ, बहुत टेस्टी लगता है। ये देखिए मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करना, एंड बाय बाय।